नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों की शुरुआत में नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरीज को बरगलाकर सदर अस्पताल से निजी नर्सिंग होम ले जाना, एक आशा कर्मी को पड़ा भारी, हुई जमकर पिटाई। भीषण गर्मी में केसरिया बौद्ध स्तूप देखने आए पर्यटकों का बुरा हाल, नहीं है धूप से बचने के लिए कोई छांव की व्यवस्था। शिवहर में आंधी ने बरपाया कहर, अलग अलग जगहों पर कुल 4 की गई जान। आंधी बारिश और ओले ने मचाया तबाही, पताही में कई हुए बेघर। प्रखंड परिसर में हुआ जल जमाव, पानी में खड़ा होकर लोग काम कराने को विवश। पूर्व विधायक के भाई के बाद अब सांसद पुत्र पर लगा पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट और धमकी देने का आरोप। मरीज को बरगलाकर सदर अस्पताल से निजी नर्सिंग होम ले जाना, एक आशा कर्मी को भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके कारण आक्रोशित परिजनों ने आशा कर्मी की जमकर धुनाई कर दी। मामला मोतिहारी के अगरवा मोहल्ला का है, जहां एक आशा कर्मी पैसे की लालच में सदर अस्पताल से एक महिला को प्रसव के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराई थी। देर रात प्रसव के दौरान मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आशा कर्मी के साथी फरार हो गए, लेकिन आशा कर्मी परिजनों के हाथ लग गई, जिसके बाद महिलाओं ने आशा कर्मी को जमीन पर पटक कर जमकर धुनाई कर दी। मामला प्रकाश में आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और लोगों का आशा पर से विश्वास भी उठ रहा है। वहीं मृतिका के परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तपती धूप और गर्मी के कहर से केसरिया बौद्ध स्तूप आने वाले पर्यटकों का बुरा हाल हो रहा है और विभाग मौन बना हुआ है। विभागीय उदासीनता के कारण केसरिया बौद्ध स्तूप पर आने वाले पर्यटकों के लिए स्तूप परिसर में कोई छाया नसीब नहीं है। विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यहां कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, जैसे मैं यहां पे कुछ रहने का होटल या पानी का व्यवस्था या कुछ ठिकाना अपना रहे, आराम से गाड़ी उड़ी लगा, बिंदास बढ़िया से घूमे, कोई सेवा पानी, नाश्ता पानी बढ़िया से, ढंगल कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। सर अपने घर से नाश्ता सब बनवा के लाते हैं और यहाँ पे पानी होटल किन लेते हैं और यहाँ पर गाछी के छाव में लगते हैं और नाश्ता वास्ता करके बस। सरकार से मैसेज हम देना चाहते हैं कि यहाँ कुछ होटल वोटल बनवा दे बढ़िया अच्छा ढंगल, कोई रहने वहने के बाहरी आदमी आए तो रहने वहने का व्यवस्था रहे बढ़िया से, ठीक है, और कुछ सुविधा यहाँ पे मिले सरकार द्वारा, इसी का कहना है, हमारा संदेश है। गौरतलब है कि अभी भीषण गर्मी है और चाम जला देने वाले इस गर्मी में भी पर्यटकों के लिए केसरिया बौद्ध स्तूप स्थल पर कोई सुविधा नहीं है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली सरकार देश के विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप स्थल के पास देश और विदेशी पर्यटकों के लिए अभी तक कोई बेहतर सुविधा नहीं दे पाई है, जिसके वजह से पर्यटकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर यहाँ पे ना कुछ मतलब बोलते हैं कुछ ये, हम तो बोलते हैं इसके बगल में कुछ गार्डन वगैरह लगा देने चाहिए और यहाँ पे रहने के लिए सुविधा फर्स्ट बनवानी चाहिए सरकार को, कुछ अच्छी करें यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े मतलब जगह से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, तो मैं यही चाहूंगा सरकार से कि मतलब कुछ यहाँ पे अच्छी करवाए। तो सुविधा तो कुछ नहीं है, घूमने लायक भी कोई चीज नहीं है, बस एक स्तूप है यहाँ पे, ऐसा सुने थे वैसा नहीं पाए। इससे हमारे समाज में क्या संदेश जाता है, इसके अभाव है यहाँ पे, ना ही कोई स्टाफ है, ना प्रॉपर कोई यहाँ पे व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना सेट की व्यवस्था है। सेट तो लगाया जा सकता है, इसका महत्व को और अच्छे से बताया जा सकता है। मूलभूत सुविधाएं जो हर एक जनता को जरूरत है, जैसे लेडीज शौचालय, जेंट्स शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, इस सब के व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है जी। रविवार की शाम आई आंधी ने शिवहर जिले में खूब कहर बरपाया है। यहां अलग अलग घटनाओं में 4 लोग काल के गाल में समा गए।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक आंधी में दीवार गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि बिजली की तार गिर गई और करंट लगने से दो व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पिपराही के आसोपुर में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। आंधी आया और बिजली की तार पर पोल गिर गई और बिजली की तार पोल पर गिरी तो इनके शरीर पर तार गिरा और इनके शरीर से पूरा जख्मी हो गया, जख्मी मर गए। बहुत रोड पर पेड़ गिरा हुआ है, कहीं बिजली का तार गिरा है, उसमें दो आदमी जो है बिजली के करंट से मर गया, एक आदमी दीवार गिरने से, तीन आदमी। कहाँ कहाँ का नाम था? ये एक महिला है बिसाही गांव की और एक है भलवाही का और एक कनवानी गांव का। रात के आंधी में मतलब घटना कैसे हुआ है? मकान गिर गया। बिहार के बेतिया में सत्ताधारी दल के पूर्व विधायक के भाई की गुंडागर्दी के बाद अब एक और सत्ताधारी दल के सांसद पुत्र पर पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है। इस बार भी पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पंप मालिक ने वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के तीन बेटों के खिलाफ बेतिया के मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक कन्हैया कुमार ने वाल्मीकि नगर जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद के बेटे रामाकांत प्रसाद, सुनील प्रसाद एवं मनोज प्रसाद पर मारपीट धमकी देने का आरोप लगाते हुए बेतिया के मुफस्सिल थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि सांसद पुत्र आज सुबह करीब 11 बजे पेट्रोल पंप पर आए और स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे, साथ ही पेट्रोल पंप को बंद कराने की धमकी दी और पेट्रोल पंप को बम से उड़ाने की बात कही। पंप मालिक ने सांसद पुत्रों पर आरोप लगाया है कि जाते जाते उन लोगों ने धमकी दी है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि उनके पिता सांसद हैं। वहीं बेतिया पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक ने मुफस्सिल थाने में एक आवेदन दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो की तरफ से इस संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ सकी है। पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत मटियरिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 अंतर्गत नहर के पानी से प्रभावित दर्जनों घरों का निरीक्षण अंचलाधिकारी राजीव रंजन कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। अंचलाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह जल संसाधन विभाग की गलती है, नाला निर्माण के विभाग के अभियंताओं के द्वारा अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया है, नाला निर्माण में भी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी जाएगी जिसमें घटिया निर्माण व अदूरदर्शी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी। पश्चिमी चंपारण जिले के दर्जनों गांवों में सोमवार के दोपहर तेज हवा के साथ बारिश एवं ओला पड़ने से आम के फलों पर बुरा असर पड़ा है। तेज हवा आमों पर आफत बनकर टूटी है, लेकिन बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। दूसरी तरफ गन्ना की फसल को पानी पड़ने से फायदा हुआ है। गर्मी में गन्ने की फसल धूप से झुलस रहे थे, बारिश की पानी ने गन्ना के पौधों के लिए संजीवनी का काम किया है। लगभग 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश से खेतों को भरपूर पानी मिल गया है। वहीं इधर पूर्वी चंपारण जिले के पताही में आंधी तूफान ने कहर बरपाते हुए कई लोगों को बेघर कर दिया है। पताही प्रखंड क्षेत्र में आंधी तूफान और वर्षा ने कई जगहों पर खूब नुकसान पहुंचाया है। इस आंधी का जायजा लेने के लिए सीओ रोहित कुमार के द्वारा विभिन्न पंचायत के सभी वार्डों का भ्रमण किया गया। इस दौरान वाराशंकर पंचायत के सभी वार्डों का सीओ रोहित कुमार और मुखिया पति मुकेश कुमार सिंह, उप मुखिया जय मंगल सिंह ने वर्णन किया और सीओ रोहित कुमार ने सभी पीड़ितों को अनुदान राशि दिलाने का वादा भी किया। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांग प्रखंड परिसर में पानी लग जाने से आरटीपीएस आवेदकों को पानी में खड़े होकर अपना काम करवाना पड़ रहा है। आरटीपीएस काउंटर पर अपना जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा कराने के लिए आए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पानी में खड़ा होकर उन्हें अपने कामों को पूरा करना पड़ रहा है।
एसएसबी 44वीं बटालियन मंगुराहा बीओपी के सौजन्य से शनिवार को निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत आदिवासी थारू बहुल क्षेत्र के सिटी पंचायत अंतर्गत मंडिया ग्राम स्थित राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में आयोजित इस शिविर में सैकड़ों पशुओं को जांच कर पशुपालकों को उन्हें खिलाने के लिए दवा दी गई। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत गौनाहा प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू व भाजपा कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो को अंग वस्त्र व पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौनाहा के जनता ने हमें सम्मान दिया है, उसका हम सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी समस्याओं से मैं पूरी तरह अवगत हूँ, यहाँ की प्रमुख जो समस्या है उसे हर हाल में पूरा करूँगा। धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर 3 महीने पर क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सोमवार के दिन वीडियो गुरुदेव प्रसाद गुप्ता ने रतनमाल पंचायत भवन में फीता काटकर आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत उन्होंने उपस्थित नागरिकों को बताया कि अब आप लोगों को प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, अब पंचायत भवन के आरटीपीएस काउंटर से निवास, जाति, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लोक शिकायत संबंधित जानकारी यहां से प्राप्त होंगी। पकड़ी दयाल अनुमंडल अंतर्गत फेनहरा प्रखंड के जीपीएस रामज्ञा ठाकुर का अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के बाद सोमवार को पताही प्रखंड के वीडियो मनोज कुमार सिंह के द्वारा प्रखंड कार्यालय में सभी कर्मचारियों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने 5 मिनट का मौन धारण कर उनके आत्मा की शांति की दुआ मांगी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बहुवरवा पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, वीडियो गुरुदेव प्रसाद गुप्ता, स्थानीय मुखिया चंद्रकिशोर प्रसाद सिंह द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य एवं केंद्र में हमारी सरकार है एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने बताया कि अब आपके पंचायत भवन से ही जाति, निवास, आय, वृद्धा पेंशन, जन्म मृत्यु सहित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा एवं आपको इसके लिए प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाया है वे भी आवेदन भरकर जमा कर दें, राशन कार्ड में नाम जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं इस मौके पर अपनी तीसरी जीत पर बहुवरवा के लोगों को अधिक मत देने के लिए ग्रामीणों को बधाई भी दी। शिवहर अनुमंडल गेट के पास बिजली की तार टूटकर करंट लगने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बेलवा निवासी चंदेश्वर बैठा है। जानकारी के मुताबिक मृतक चंदेश्वर बैठा एसएसए जन वितरण प्रणाली के डीलर हैं तथा वे अनुमंडल गेट पर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी ऊपर से बिजली की तार टूटकर उन पर गिर गई, जिससे करंट लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि आज अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद अफाक अहमद के साथ सभी डीलरों की बैठक थी, जिसमें वे भी शामिल होने आ रहे थे, तभी इस घटना के शिकार हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद अफाक अहमद ने बिजली विभाग को दूरभाष पर कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शीघ्र पोस्टमार्टम कराने तथा अनुदान के तौर पर दी जाने वाली राशि देने का आदेश निर्गत किया है। बेतिया के गौनाहा प्रखंड स्थित बीआरसी में संकुल समन्वयकों की एक बैठक बीईओ गगनदेव राम की उपस्थिति में की गई। बैठक में उपस्थित 13 सीआरसी कोऑर्डिनेटरों से पाठ्य पुस्तक के लिए छात्रों के खाते में राशि भेजने के वितरण संबंधित जानकारी लिया गया। बीईओ ने पाठ्य पुस्तकों के राशि वितरण में लापरवाही करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करने के बाबत सभी सीआरसी से जानकारी प्राप्त किया। इस दौरान बीईओ ने कहा कि
प्रधानाध्यापक 100% पुस्तकें उपलब्ध कराएं। अप्रैल में ही सभी विद्यालयों के खाते में पाठ्य पुस्तकों की राशि भेज दी गई थी, लेकिन प्रधान शिक्षकों के उदासीनता के वजह से आज तक राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर नहीं किया जा सका है। 22 जून से 30 जून तक विद्यालयों में शिविर लगाकर पुस्तकों का वितरण करना संकुल समन्वयकों की जिम्मेदारी है। जो पंचायत माध्यमिक विद्यालय विहीन है, उन पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए जिला मुख्यालय को अनुशंसा के लिए लिखा जा रहा है। पाठ्य पुस्तक का 2018-19-20 का जो सरकार के द्वारा जो पाठ्य पुस्तक का राशि मई महीने में भी हमारे प्रधानाध्यापक खाता में सौ भेज दिया गया है, और राज्य से कल बैठक हुई थी इसके लिए हमारे सी स्तर पर जिला स्तर पर दो दो तीन तीन बार बैठक हो गई है। कुछ ऐसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक है बैठक जानकारी रहने के बावजूद भी अभी तक ले बच्चों को खाता में राशि नहीं भेजा गया है, जिसके चलते बच्चों बिना किताब के लिए विद्यालय जो बंद है मगर नहीं पढ़ रहा है। इसलिए आज निर्णय लिया गया है, विभाग का निर्देश है कि 15 जून तक ले उसकी रिपोर्ट दे देना है कितना छात्र छात्रा है, आ 22 जून से 30 जून तक सीआरसी स्तर पर कैंप लगाकर विशेष रूप से प्रधानाध्यापक सहायक के सहयोग से सारी बच्चों को पाठ्य पुस्तक मुहैया कराया जाएगा, खरीदारी की जाएगी। अगर इसमें कोई कोताही बढ़ता है तो सीधे सीआरसी हो या प्रधानाध्यापक सीधी कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें और ट्विटर के लिए फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।